हर सुबह नई क्षमता लेकर आती है। अब ये हम पर निर्भर है कि हम इस क्षमता का किस तरह से उपयोग करते हैं, क्योंकि सुबह बिताया दिन संकेत देता है कि आपका दिन किस तरीके का होने वाला है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू करने के बाद से 90% से अधिक शिकायतों का किया निपटारा। विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों ने 425 प्रमुख शिकायतें कराई थी दर्ज, 400 मामलों में हुई कार्रवाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष सिंह कश्यप की पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता भाष्य का संसद भवन में किया विमोचन, कहा गीता अनिश्चितता के बीच एक मार्गदर्शक, देशवासियों से गीता के संदेशों से सीख लेकर देश के हितों को सर्वोपरि प्राथमिकता देने की अपील। गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधियों के खिलाफ कसा शिकंजा, खुद को पुलिस अधिकारी बताने वाले क्रिमिनल्स को कड़ी चेतावनी दी। पुलिस एनसीबी सीबीआई आरबीआई और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों का रूप धारण कर साइबर अपराधियों द्वारा ब्लैकमेल और डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। केन्या में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए 40 टन दवाओं, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य उपकरणों सहित भारत ने भेजी मानवीय सहायता की दूसरी खेप। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दी जानकारी। दिल्ली में आज होने वाली CUET UG की परीक्षा स्थगित, मैन पावर की कमी के कारण राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने लिया निर्णय, दिल्ली में यह परीक्षा अब 29 मई को होगी। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया अपनी पूरी गति पर है। अब तक 4 चरण का मतदान हो चुका है और अब 5वें चरण के मतदान की तैयारी भी चल रही है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 20 मई को 49 सीटों के लिए होने वाला है। लोकसभा के 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच भी आज से शुरू हो रही है। 7वें चरण के लिए 1 जून को मतदान होगा। वहीं निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से 90% से अधिक शिकायतों का निपटारा कर दिया है। विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों ने 425 प्रमुख शिकायतें दर्ज करवाई थी, जिनमें से 400 मामलों में कार्रवाई कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी से नामांकन दाखिल कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 20 केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित NDA शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर मौजूद रहे। आप ये देख सकते हैं उस समय की तस्वीर जब प्रधानमंत्री नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे, उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री ने वाराणसी से एक बार फिर से नामांकन दाखिल किया है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को वाराणसी में रोड शो किया था। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की थी। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वो 2014 में पहली बार यहां से सांसद चुने गए थे। इसके बाद 2019 में भी प्रधानमंत्री ने इस सीट से जीत हासिल की थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नागरिकों से देश के हितों को सर्वोपरि प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। उपराष्ट्रपति ने यह बात प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष सिंह कश्यप की पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता भाष्य का संसद भवन में विमोचन करने के अवसर पर कही।
उपराष्ट्रपति ने नागरिकों से देश के हितों को सर्वोपरि प्राथमिकता देने का आग्रह किया और गीता के संदेशों से सीख लेने की अपील की। उन्होंने गीता को अनिश्चितता के बीच एक मार्गदर्शक बताया। कश्यप ने वो जमाना देखा है जब कितना बड़ा परिवर्तन सेवंत लोकसभा में आया। डॉक्टर कश्यप ने वो जमाना देखा है 400 पार एक लोकसभा में, और डॉक्टर कश्यप ने कोलिएशन भी देखी है जिसका मैं हिस्सा था। आपने कोलिएशन की पीड़ा देखी है, उस कोलिएशन से निजात 2014 में मिली। व्हेन इन डाउट When in the Macbeth syndrome, to be or not to be, you have a light at the end of that tunnel, and that light is flickering from Gita. Gita teaches you sublimity, spirituality, religiosity, commitment to your duty, distancing yourself from self. The greatest problem for human mind is we are self-conscious. And this self-interest is coming in the way of we being real servants of Bala. We have to ensure every moment we keep the interest of our nation uppermost. साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल गिरफ्तारी के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को पुलिस या अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के रूप में साइबर अपराधियों द्वारा धमकी, ब्लैकमेल, जबरन वसूली और डिजिटल गिरफ्तारी के खिलाफ अलर्ट जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि ये सीमापार अपराध सिंडिकेट द्वारा संचालित एक संगठित ऑनलाइन आर्थिक अपराध है। इसमें कहा गया कि देश भर में कई पीड़ितों ने ऐसे अपराधियों के कारण बड़ी मात्रा में धन गंवाया है। अपना सब कुछ खो दिया है। ये एक संगठित ऑनलाइन आर्थिक अपराध है और समझा जाता है कि इसे सीमा पार अपराध सिंडिकेट द्वारा संचालित किया जाता है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी 14C देश में साइबर अपराध से निपटने से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करता है। गृह मंत्रालय इन धोखाधड़ी से निपटने के लिए अन्य मंत्रालयों और उनकी एजेंसियों RBI और अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। 14C मामलों की पहचान और जांच के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों को इनपुट और तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है। CUET UG की आज होने वाली परीक्षा को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने टाल दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंगलवार शाम को अपने निर्णय को स्पष्ट करते हुए कहा कि 15 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातक CUET UG को अपरिहार्य कारणों से दिल्ली भर के केंद्रों के लिए स्थगित कर दिया गया है। दिल्ली में परीक्षा अब 29 मई को होगी। उम्मीदवारों के लिए अब संशोधित एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। हालांकि ये परीक्षा बाकी जगहों पर सामान्य रूप से आज होने वाली है। 16, 17 और 18 मई को होने वाले CUET UG के अन्य परीक्षा पत्र पूर्व की भांति ही लिए जाएंगे। इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। भारत ने कीनिया में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए 40 टन दवाओं, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य उपकरणों सहित मानवीय सहायता की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए 40 टन दवाओं, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य उपकरणों से युक्त HADR सामग्री की दूसरी खेप केन्या के लिए रवाना कर दी गई है। हम एक ऐतिहासिक साझेदारी के लिए खड़े हैं। दुनिया के लिए हम विश्व बंधु हैं। केंद्र सरकार ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम
यानी लिट्टे पर प्रतिबंध की अवधि और 5 साल के लिए बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की, जिसमें ये बताया गया कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मई 2009 में श्रीलंका में अपनी सैन्य हार के बाद भी लिट्टे ने तमिलों के लिए एक स्वतंत्र देश की अवधारणा को नहीं छोड़ा है और गुप्त रूप से धन जुटाने का काम करके इलम के लिए काम कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर सेना की तैनाती असामान्य है, देश की सुरक्षा की अनदेखी नहीं की जा सकती, इसलिए तैनाती की गई है। विदेश मंत्री ने वक्तव्य इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने गलवान में हुई घटना का जवाब वहां सुरक्षा बलों की तैनाती से दिया है। गलवान घाटी झड़प में कुल 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे, जिसे भारत चीन सीमा पर 4 दशकों में सबसे जघन्य माना गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 2020 में चीन कई समझौतों का उल्लंघन कर हमारी सीमा पर बड़ी संख्या में सेना ले आया और उसने ऐसा तब किया जब हम कोविड के लॉकडाउन से गुजर रहे थे। हमने भी जवाबी कार्रवाई की और सैनिकों को वहां जमा किया। और बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के। इतिहास में आज की तारीख से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हैं, आइए जानते हैं। 15 मई साल 1907 को क्रांतिकारी सुखदेव थापर का जन्म पंजाब प्रांत के लुधियाना में हुआ। देश की स्वतंत्रता में अमर शहीद सुखदेव का बलिदान अविस्मरणीय है। साल 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें अंग्रेज अधीक्षक सैंडर्स के आदेश पर हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। सुखदेव ने भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर सैंडर्स को गोली मारकर लाला जी की मौत का बदला लिया। बाद में सुखदेव सहित अन्य क्रांतिकारियों पर सैंडर्स की हत्या का मुकदमा चला और अंत में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को क्रांति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर ये महान क्रांतिकारी आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमकर अमर हो गए। 15 मई साल 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष बने। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिए जीवी मावलंकर के नाम का प्रस्ताव रखा। इस प्रकार मावलंकर देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष बने। साल 1888 को गुजरात के बड़ौदा में जन्मे मावलंकर एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे 26 नवंबर साल 1949 को अस्थाई संसद के अध्यक्ष भी रहे। मावलंकर की कार्यप्रणाली ने भारत की संसदीय संस्थाओं को सर्वाधिक प्रभावित किया। उन्हें लोकसभा के जनक की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। चुनाव आयोग द्वारा मतदान के प्रति जागरूक करने वाला गीत मैं भारत हूं, भारत है मुझ में वायरल हो गया है और घर घर में इस गीत की गूंज सुनाई देने लगी है। इसी गीत को वायलिन की मधुर धुन पर प्रस्तुत किया कलाकार ने आपको चलते चलते छोड़े जाते हैं। मतदान के लिए चुनाव आयोग का लगभग एंथम बन चुके इस गीत को वायलिन की धुन के साथ मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।